नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। मेरे पास हाल ही में एक बूढ़े पेशेंट आए थे 60 साल के। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब जब मैं चलता हूं तो मुझे दम लगता है, दम थोड़ा भी चलता हूं तो मुझे दम लगता है। मैंने कहा, आप 2 महीने से तकलीफ में हैं, आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए आप? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाता हूं वो लोग चेक नहीं करते और कहते पहले आप कोरोना चेक कराओ, कोरोना। मैंने पूछा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गए, गवर्नमेंट के पास? वो बोले हाँ गया था। उन्होंने कहा, हम केवल कोरोना पेशेंट देखते हैं, कोरोना, हम और पेशेंट नहीं देखते। तो मैं पूछा कि आप 2 महीने से परेशान हैं? बोला हाँ डॉक्टर साहब, जस्ट मैं जेवल चलता हूँ, जब मैं यहाँ से वहाँ चलता हूँ मुझे दम लगता है, दम। दोस्तों, मैंने उस पेशेंट का केवल ECG किया, ECG में उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। 2 महीने से वो पेशेंट हार्ट का मरीज है, वो बेचारा घूम रहा है यहां वहां और कोई इसको चेक नहीं कर रहा, सब कहते हैं कोरोना चेक करो। अरे किधर जा रहे हैं हम, किधर? फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया पेशेंट को कि आप प्लीज एडमिट हो जाइए, प्राइवेट में जाने की उनकी हैसियत नहीं थी। मैंने पूछा, आप गवर्नमेंट में जाएंगे? उन्होंने कहा, नहीं मैं गवर्नमेंट नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लोग लेते नहीं हैं और वो ये भी कहें कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा। सरकार से विनंती है, ये क्वेश्चन मार्क है कि हम कहां जा रहे हैं। क्या एक हार्ट का मरीज कोरोना पेशेंट से कम है? क्या एक हार्ट का मरीज बच सकता है? अगर उसको इलाज नहीं दिया टाइम पे तो क्या वो बचेगा? कोरोना का तो 50-50 है, 50-50 मैं तो नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि 90% चांसेस है कोरोना पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हम सबको पता है, अब हम सबको पता है कि गवर्नमेंट क्वारंटाइन करती है, होम क्वारंटाइन, केवल जिसका ऑक्सीजन कम होता है उनको एडमिट करते हैं। लेकिन हार्ट अटैक का पेशेंट अगर टाइम पे नहीं गया वो खत्म हो जाएगा, ही विल डाई, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। उसको एंजियोग्राफी की जरूरत है, उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, बाईपास की जरूरत लग सकती है उसको। लेकिन वो उसको बेचारे को अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वो बोलता है मुझे जो भी होगा देखा जाएगा, आप दवा लिख दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं दे रहा हूं, न सरकार को न किसी को, गवर्नमेंट को बाबा, लेकिन बस ये क्वेश्चन मार्क आज छोड़ के जा रहा हूं कि हम कहां जा रहे हैं। हार्ट अटैक, लकवा, बड़ी बड़ी बीमारियां, क्या हो गया, कोई देख नहीं रहा उनको। आज इंसान कैसे भी मर रहा है तो लोग उसको कोरोना कह रहे हैं। क्या कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये केवल इंफेक्शियस है लेकिन हार्ट अटैक से बड़ी नहीं है। हार्ट अटैक लेके जाएगा खत्म, सीधा ऊपर। क्या वो बुढ़े की जिंदगी जरूरी नहीं है? एक समय था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या जबरदस्त काम करते थे। हमारे मुंबई में एक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हार्ट के पेशेंट को बचाते हैं, मरने नहीं देते, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सब कुछ होता था। लेकिन अभी फिलहाल इस कोरोना के कारण सब कुछ बंद हो गया है, कर रहे हैं बेचारे, लेकिन पब्लिक भी नहीं जा रही है डर के मारे कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं अपने आज लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब आगे करना क्या है। इसका सलूशन जल्द से जल्द निकलना चाहिए ताकि बाकी पेशेंट्स तो बच जाएं, बाकी मरीजों का तो इलाज हो सके। बस यही आज एक क्वेश्चन मार्क डालने आया था, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं। उस पेशेंट को मैंने केवल दवा दिया और रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए, लेकिन वो बेचारा बोला नहीं जाऊंगा। तो मैंने सोचा आज मैं आपको समझाऊं, ये क्वेश्चन मार्क डाल के जा रहा हूं कि अब आगे क्या करना है। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज कुछ करिए ताकि फिर से पहले जैसे सब कुछ हो जाए। हर एक पेशेंट इंपॉर्टेंट है, केवल कोरोना नहीं, हर एक पेशेंट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मैं आपका फैमिली डॉक्टर आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।